गांव को उठने की क्षमता। कह रहे भाई अपन पैसे तो लग गए, हमने तो पहले से काम चालू कर दिया, फिर जिसके बाद में हमारे यहाँ चेतावनी रे लिख गए कि भाई यहाँ पर जल स्तर ज्यादा है, कृपया जन्मभूमि तो जन्म ही होती है, गांव में तो बिना टूटी टाटी में रह ले रहे, कहते गांव तो गांव ही होता है। भाई साहब कितना बड़ा बीचू देखो गाइस, बिल्कुल ब्लैकबेरी हो रहा है एकदम से। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। और कैसे आई होप सभी अच्छे होंगे, और आप सभी का आशीर्वाद से हम भी बढ़िया है। आप सभी के लेके लेकर आए एक और न्यू ब्लॉग, तो प्लीज बने रहे ब्लॉग के साथ। और सुबह सुबह एक ब्लॉग की शुरुआत हमारे बिट्टू की मस्ती के साथ हो रही है, बेटी का प्यार है। हमसे सबको लेना देना ही नहीं है, हम तो चाहे मरे चाहे जिए बस पापा, दो ही शब्द है मुंह में, पापा जी जी, पापा जी जी, बस मम्मी तो कहना ही नहीं सीखते। 5-6 बच्चे बच्चे हो गए पर किसी ने भी मम्मी नहीं किया कोई उनकी मम्मी से। पहले हम पहले कान हुई, फिर कानों से छोटी बहन, दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर का नितिन, फिर चौथे नंबर की ये, और 5वें 6ठे नंबर के तो अभी बोलते नहीं है। 7 हो गए भाई, 7 अभी जोट हो गई। कोई दिन लड़ेंगे गुड़ेंगे तो कोई माँ तो 8-7 की जोड़ी है, 7 तो हो चुके अभी। तो ये भी पापा कहना सीखी सबसे पहले, पापा जी जी बस। सब उठती है तो उठती थी, उठती तो पापा, सोती थी पापा, खाती हो चा पीती हो, बस कहीं भी चले जाते हैं तो लारे तुरंत चल के जाती है। अरे मम्मी तो चाह मरी जाओ मम्मी तो, और खूब रखाते जब भी हमको नहीं रखाते, हम निलाते धुआते खिलाते पिलाते सब काम करते हैं, जब भी कोई लेना देना नहीं मम्मी की खातिर कुछ भी हो। आज साफ सफाई करने लग रहे थे, बिल्कुल परेशान हो गए क्योंकि बाड़े में काम चल रहा है, तो 2-3 दिन से बारिश वारिश नहीं हो रही, तो इसलिए भरत रत कराएंगे, तो कोई छान कोई क्या कोई क्या घास फूस लकड़ फक्कड़ पे पड़ी तड़ीता ऐसी चीज जिनको हटा हटू कर एक साइड को करी, पूरे आधे बाड़े में ऊंचा करवाएंगे भरत करवा के, तो उसको प्लेन हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो पानी भी एक साइड निकल जाएगा, क्या पूरा पानी जाके भरता है तो ऊंधा नीचे हो रहा है कहीं, तो उसको एकदम से सही करा के और जब चुनाई अनाई चालू करेंगे। कोई सोचा नहीं था ऐसे यूट्यूब पर आ जाएंगे ऐसे बनाना है, पर देखा थोड़े थोड़े जीजे का बीच में बंद करके हमने बहुत गलत भी किया, तो अब अंकिता जी मस्त राम जी से और बहुत सारे यूट्यूबर आए उनसे मिल के वो जो मन में वो एकदम से वो तो हमने बहुत बड़ी गलती की, और अब दोबारा से किया स्टार्ट, जाता जाता कोशिश करेंगे भाई रेगुलर चलने की, और बीच में कुछ कोई और यार चला जाए उसकी बात तो न्याड़ी, पर अब रोज ब्लॉग मिलेंगे आपको बढ़िया बढ़िया देखने के लिए। तो गाइज आज गर्मी है ज़्यादा, तो मैडम ले आई हमारे लिए नींबू की शिकंजी बना के, वाह क्या बात है भाई। ये नींबू कहाँ से ले आए आप हैं? माँ अच्छा जिस दिन बिट्टू को दिखा के लेके आए उस दिन है भाई, हमें तो पता ही नहीं। तो अभी नींबू की शिकंजी, इसमें नमक और डालो थोड़ा सा है, नमक डालो और नमक डाल के फिर हमारे गिलास में डालो भाई। तो हमारी शक्ल देखो, हमारी शक्ल कैसी हुई, शक्ल बहुत खराब हुई, अभी अभी घोड़ा फेंक के आया हूँ मैं भाई नीचे से। साफ सफाई कर रही है नीचे, क्या हमारे यहाँ साफ सफाई चल रही है उधर देखो, तो यहाँ से इस मशीन से यहाँ से भर के और उधर डाला है वो वहाँ पे, तो इस वजह से उसमें क्या कभी कभी नहीं भरवाता था तो फावड़े से भरना पड़ता था, तो बिल्कुल एकदम से शक्ल हम 12 बज गए वैसे, तो ये आ चुकी है हमारे लिए, तो ये तो आपके लिए और अब हमारे लिए। ओ भाई गिर गई पुल्ली, इस गर्मी में और नींबू की शिकंजी आनंद ही आ गया। कैसी लगी आपको, कैसी लगी? अरे तो अरे भाई साहब एक ही सांस में डकार की पूरी कोई डकार की। अभी तो मेरा गिलास फुल भरा है इसका देखो, मेरा भी फुल है, नाटक ऐसे नाटक, मैं तो अभी एक ही घूंट भरी है, तू देख इधर देखा पूरी खाली, जल्दी जल्दी पियो, मैं थोड़ी कुछ कर रही हूँ तो जबरदस्ती। भाई साहब हालत खराब है बिल्कुल पसीने से, क्योंकि इधर भरत उड़वा है तो बार बार में ट्रोलिया गचक रही है, तो उसके नीचे डालना पड़ता है, मिट्टी डालनी पड़ती है, अभी ये देखो ये फंसा हुआ है,
बिल्कुल पूरा। अभी तो 10 ट्रॉली आई है लगभग, पूरी 40-50 ट्रॉली आएगी यहाँ से उस 10 एक लेवल पे आएगा पूरा वहाँ तक, और फिर इसमें भी हो रहा है। अभी ये खाली हो रही है यहाँ पर, लेकिन हालत बहुत ख़राब है पसीने से। अब ये यहीं रुकी हुई थी तो आगे नहीं निकल रही, तो अब इसको यहीं पे खाली करना पड़ रहा है। तो अभी टाइम भी नहीं मिल रहा है इतना ब्लॉग बनाने का भी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं बनाने की लगातार, और आप सब लोगों ने 40 के कंप्लीट करवा दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक खाना कुछ नहीं खाया, खाना बना के ऊपर लिया है क्योंकि आज वे व्रत कर रहे हैं। तो राजेश जी, सेठ सिंह जी और कानू के पापा वाइफ जी सब बिजी हुए, तीनों चारों भाई लग रहे हैं। तो करीब 3 बजे से व्रत की ट्रॉली चालू कर रखी, वहाँ से लेके आ रहे थे, वहाँ मशीन लग रही थी, मशीन भर रही, और 3 ट्रैक्टरों से, एक ट्रैक्टर तो चाट ही चला रहा है और 2 ट्रैक्टरों से व्रत आ रहे, कम से कम 15-20 ट्रॉली आ गए। और अभी तक तो मशीन को तो बंद कर दिया ट्रॉली लाना, तो और खाना ना कुछ नहीं खाए, अभी नहाए धोए पूरे 11 मिट्टी के हो रहे सभी, क्योंकि अब भी बनाते भाई, पर हमने इसलिए नहीं उठाया, फिर अब बाद में देख लेंगे, क्योंकि गाँव को उठने की सम कह रहे भाई, अब पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, पैसे तो लग गए, हमने तो पहले से काम चालू कर दिया, फिर जिसके बाद में हमारे यहाँ चेतावनी रे लिख गए कि भाई यहाँ पर जल स्तर ज़्यादा है, कृपया आगे चलने की कोशिश करें। तभी तो बस कहीं उठते बैठते तो गांव को निकलते, कहीं बैठते तो सभी जिसके ज़्यादा जमीन ज़्यादा जो सब भाई क्या करेंगे, कैसे पता नहीं कहाँ बसाएंगे, कैसे जमीन देंगे, पानी है कि नहीं है, तो बहुत आप समझ सकते हो भाई, अपने जन्मभूमि तो जन्म ही होती है, गाँव में तो बिना टूटी टाटी में रह लेते, कहते गाँव तो गाँव ही होता है, और दूसरे पता नहीं हमारे भी टूरे तो बच ये इनकी सूरत संभाड़ेंगे जब से, क्या पता उनको इनको नए गांव में ही बचपन बिताना पड़े, पर कैसा भी हो भाई हम तो ये सोचते भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं भाई यहाँ से नहीं निकाले। और भाई साहब कितना बड़ा बीच हो देखो भाई, बिल्कुल ब्लैकबेरी हो रहा है एकदम से है भाई, अगर ये खा जाए तो आदमी पोखर जी पहुँच जाए भाई साहब। तो क्या है यहाँ पर भरत भरवा रहे और भरत में निकला है एकदम से, आप देख सकते हो पसीने पसीने हो रहे हैं, पूरा काम का टाइम है भाई, बिल्कुल भी दोपहर भी पड़ रही है, और इधर सही है भाई साहब निकलिया है हमारे पास में, ये हमें ही डसते, लेकिन अब मेरे को तो खाता ना, मैं तो पहुंच ही जाता भाई पोखर जी, आप देख सकते हो कितना मोटा है बिल्कुल भाई। इसने मार दिया बिच्छू को भाई, इसने मार दिया बिच्छू को बेचारे को मैं तो उसको बाहर फेंक के आता, ऐसे मार जीव हत्या कर दी ना भैया, ये पाप कहाँ लगेगा ये भाई, मार दिया इसने मैं तो उसको बाहर फेंक के आता बेचारे को मार दिया भाई। और काम का सित्री है बिट्टू टू नोला दुला के, और अभी बिट्टू सोएगी क्योंकि नाते ही सोती हुई है ना, सोएगी सोने के लिए रोली, और कल से व्रत चल रहा अभी पूरा नहीं हुआ, बिट्टू पापा रे लग रहे काम, और जब तक फिर बिट्टू हमारी पापा बहुत मिस कर रही, पापा कहाँ है बिट्टू, पापा कहाँ है पापू, जी जी खेखो जी 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 जी। तो वही ऊपर आ चुके और बिट्टू कर रही मस्ती भाई, खेत सोई नहीं हो रहा, पहले फिर सोंगी सोंगी, और बाड़े में देखो आप ट्रैक्टर ट्रैक्टर हो रहे, एक ट्रैक्टर तो चल रही है खाली करके, और अभी दूसरा ट्रैक्टर फंस के टोचन और चाठी, एक ट्रैक्टर में तो टोचन में चाठी लगा रखी है, और 3-3 ट्रैक्टर बर्फ लेके आ रहे, तो क्योंकि भैया बाड़ा एकदम से सही हो जाएगा, और आजकल से भी बारिश नहीं है, और बता रहे 8-7 दिन के जड़ लगेंगे भाई, कल परसों गणेश जी का मेड़ हो गया, तो फिर यात्रा में भी जाएंगे तीनों चार भाई, पता नहीं कौन कौन जाएंगे, राजेश जी भी जाएंगे, अभी तक तो कोई फिक्स नहीं किया, तो देव महाराज जी के पैदल यात्रा जाएगी, तो डीजे वीजे सबकी व्यवस्था कर ली, आज फ्री हो जाएंगे जहाँ तक शाम तक भरत से, फिर देव महाराज फ्री जैसे आके फिर बाहर देगा, बारिश कम पड़ जाएगी तो फिर काम चालू करेंगे, बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही भाई बाड़े में, और यहाँ क्या मिट्टी और दूसरी चिकनी मिट्टी है, तो अभी अभी थोड़े 2-4 दिन बारिश नहीं आएगी तो ट्रैक्टर ट्रैक्टरों से सही करके उसको कड़क होगी, जब जाके पग ठहरे ना बिल्कुल रपट रपट के गिरते हैं, घास लेने जाते हैं ना तो बहुत होशियारी जाना पड़ता है, कभी कभी तो बिना चप्पल ही जाते हैं घास लेने, तो इसलिए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, हम तो आदमियों को तो कुछ भी परेशानी नहीं, पर रेस्टोर सब कार्य किचन पड़े रहते हैं, मच्छर माखी
बिल्कुल खूंटे भी नहीं है, भगवान ने लिए पानी भर रहा ज्यादा, खच्चा हो जाता है एकदम से बहुत ज्यादा। तो अब ये बरत हो के बरत पे अटक रही थी गाड़ी, तो इसको सही करा के और फिर जब काम चालू कर फिर चादर तनवा देंगे ताल आराम से बैठ जाएंगे। तो भाई ये देख सकते हो आप क्या हालत हो रही है, बिल्कुल एक ट्रैक्टर को निकालते तो दूसरा गचक जाता है, दूसरे को निकाल के खंडाते तो तीसरा गचक जाता है। अभी अभी तो एक को खंडाया था निकाल के और अब दूसरा गचक गया। तो शिव सिंह जी भाई विजय तीनों चारों भाई लग रहे हैं। तो भाई आवाज चुकी जेसीबी, तो जेसीबी करती अभी अभी काम तमाम, बिल्कुल लग रही धड़ाधड़। तभी कमरों का बरत चल रहा है, बाड़े का फ्री नहीं होया अभी तक तो रह रहा है, पर पहले कमरों का करा के जिसके बाद में कराएंगे वो बाड़े। चार कमरे और बाकी चादर पहली साइड फेट यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा 125 फुट का बाड़ा था, पूरे को कवर में कर लिया। हम मकान बनाने के लिए उठाया था दासा तो मकान रद्द कर दिया बाद में वही गाँव नई बात सुन के। तो अभी जैसे ही कर रही है बरत, और अभी तीन चार तीन का टाइम हो गया पर अभी बरत होकर नहीं चुका, कोई शाम तक होगा तो होगा ना, पता नहीं रह भी जाए तो। तो भाई कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग तो बताएं कमेंट में, और फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर वहाँ पर जाकर फॉलो करें, मनीषा राजेश 01 के नाम से आईडी है। तो जब तक बने रहे एक और न्यू ब्लॉग के इंतज़ार में, तो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।